जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका खादिम हुसैन अदरली बोल रहा हूँ। ये कुछ कुकिंग के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये मैं अभी दाल तैयार कर रहा हूँ, दाल माश। अभी एक किलो दाल में मैंने तकरीबन 2.5 किलो पानी लगाया है। ये दाल मैं तैयार करके आपको दिखाऊंगा कि ये दाल कैसे तैयार होती है। इसे कहते हैं जी हाशमी दाल। तो अभी इसमें मैं टमाटर डालूंगा, छुरी देंगे बेचारा। तो मैं ये टमाटर डाल रहा हूँ दाल में। ये तकरीबन 2 किलो दाल में 3 टमाटर डालेंगे। तो ये आप देख रहे हैं जी। तो ये मैंने टमाटर डाल दिए और ये हरी मिर्च, तकरीबन 5 से 7 मिर्चें हरी ये इस दाल में डालेंगे। उसके बाद ये हल्दी, ये तकरीबन 1.5 चम्मच हल्दी, और उसके बाद ये दड़ा मिर्च है, 3 चम्मच दड़ा मिर्च, 1 चम्मच सफ़ेद जीरा, 1 चम्मच सफ़ेद धनिया पिसा हुआ, और ये 1 चम्मच कसूरी मेथी। उसके बाद ये लाल मिर्च है, तकरीबन 3 चम्मच डालेंगे। ये थोड़ी सी कम है और ये मैंने लाल मिर्च डाल दी और ये अभी दाल तैयार हो रही है। चलिए मैं दाल को अभी तड़का लगा रहा हूँ, इसमें घी डाला है, इसमें घी डाला है और इसमें प्याज डाला है। अभी मैं तड़का लगा रहा हूँ, अभी आपके सामने पेश करता हूँ शाही दाल। दाल तैयार हो रही है। इधर मैंने दाल निकाल कर रखी है, अभी इसको तड़का लगाएंगे। ये 1 चम्मच जरा मिर्च, ये भी मैं दाल तैयार कर रहा हूँ। अभी
ये चिकन का मिठाना लगा है। इसमें थोड़ा सा कोरमा मसाला, ये धनिया, ये हरी मिर्च, उसके बाद सफेद जीरा, उसके बाद टमाटर, ये जब फ्राई करेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा घी लगाना, अगर इसका टेस्ट बढ़ाना हो तो फिर इसमें नींबू डाल देना है। ये इसका टेस्ट अभी ये सरदार तैयार हो चुके।